कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12 है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु क्या है? उत्तर है, मान लो रवि की वर्तमान आयु है x, हमें नहीं पता इसलिए हम उसकी वर्तमान आयु को मान लेते हैं x वर्ष, तो 15 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? यदि आज किसी की उम्र x है, 15 साल बाद उसकी उम्र में 15 साल प्लस हो जाएंगे, तो x प्लस 15, कई बच्चे इसको 15x लिखते हैं जो कि गलत है, वो तो 15 गुनी हो जाएगी, लेकिन हमें बोला गया कि 15 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी होगी, जितनी आज है उसमें 15 प्लस कर दो। मान लो आज कोई 10 साल का है तो 15 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 प्लस 15 यानी 25 साल का हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से रवि की उम्र यदि आज x वर्ष है तो 15 साल बाद x प्लस 15 हो जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार 15 वर्ष बाद जो उसकी आयु है वो उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो हम यहां लिखेंगे प्रश्न के अनुसार 15 साल बाद वाली जो आयु है x प्लस 15, ये किसके बराबर होगी, वर्तमान आयु है x वर्ष, इसकी 4 गुनी हो जाएगी, 4x, ठीक है, 15 साल बाद वाली आयु आज वाली आयु की 4 गुनी हो जाएगी। इसे हम हल करेंगे, देखो ये है x प्लस 15 बराबर 4x, x यहां इसके साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आ गया 15 बराबर 4x में से 1x माइनस कर दिया तो ये आ गया 3x, ये 4x है ये x है, इसके साथ कुछ नहीं है यानी 1x है, तो 4x में से 1x माइनस हो गया 3x। अगले स्टेप में 15 बराबर x, 3 इसके साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा ये, उधर यानी बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है, जब ये 3 उधर भाग हो गया तो ये 3 से 15 कट जाएगा 5, यानी हमारे पास x कितना आ गया, 5, x कितना आ गया, 5। अब हम इसे आगे हल करेंगे, इसके बाद हमसे पूछा गया था रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की वर्तमान आयु हमने ही लिया था पहले, देखो रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और x हमारे पास अभी कितना आया है, 5, यानी 5 वर्ष, इसका मतलब हमें उसकी वर्तमान आयु निकालनी थी और उसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई है, 5 वर्ष आ गई है।